ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी शादी और मेरी बर्बादी, मैं तेरे साथ हूं ही नहीं। देख, इस बार तेरे रहमो करम से मेरी शादी हो गई तो मैं आगे कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। अरे मेरा वो छोटा बाप देख लेगा तो यहाँ भूचाल आ जाएगा, समझा तू? देख देख, एक जिगरी दोस्त दूसरे जिगरी दोस्त को ऐसे दुत्कारता है क्या? बस बस बस, समझा? तू वहां जाकर बैठ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। देख, बात सुन, देर मत करना, जल्दी आना। देख तो सही, बहुत बढ़िया है, तू हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस झांकी का आंखों देखा हाल गौरव को जरूर सुनाऊंगा। उस दिन मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा अल्लू। गौरव, तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो, मैं रोज बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी कोई रोज नाम की क्लास में न थी न है न रहेगी। कितनी बार कह चुका तुम्हें, और तूने मेरे बापू को क्या उल्टा सीधा बताया? ओ सॉरी, बहुत डांट पड़ी क्या? अरे झूठी चालबाज, असली मर्द हो, मेरा मतलब असली औरत हो तो सामने आओ, एक खींच के दूंगा मैं। क्या बात है, बड़े उतावले हो रहे हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ हूँ, लेकिन तेरे बाप से मिलने के लिए। वंच आगे चलाने के जुर्म में केस ठोकना है मुझे। गौरव, तुमने डिलीवरी चालान में साइन नहीं किया। हाँ नहीं किया तो तेरे बाप का क्या जाता है? गौरव यहाँ इधर साइन। हेलो हेलो, इतने खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो ना। अरे भटकते पागल खाने, तेरे पागलपन को झेलने के अलावा मेरे पास और भी काम है। मिलना है मुझसे? तो अब तक क्या मैं तमिल में बात कर रहा था? तो मैं जहां बुलाऊं वहां आना पड़ेगा। अरे चल चल, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे सामने आकर बात करने में। लेकिन थोड़ी शर्म आ रही है ना, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। इतना क्यों सोच रहे हो? मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। गांधीनगर के नाना नानी पार्क में मिलेंगे बराबर 11 बजे। अरे तू जहाँ बोले उस नर्क में आऊंगा भैंस की बच्ची। लेकिन कमीनी, तेरे को पहचानूंगा कैसे? मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, और प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बाय। देखो, डोंट वरी, मैं सारी अरेंजमेंट्स। रोज लेकिन रोज रोज लुक एट हिम, हु इज दिस? क्या तुम रोज हो? ये क्या छेड़ने का नया तरीका है? स्टुपिड, ये पकड़। रोज व्हाट? वहां पे हैं बहुत सारे, लेकिन बगीचे में फूल तोड़ना मना है। क्या? हाँ, गुलाबों के बारे में पूछ रहे थे ना तुम। नहीं नहीं, मैं अपनी क्लासमेट रोज को ढूंढ रहा हूँ। और क्लासमेट का चेहरा याद नहीं है? ये तरकीब किसी और पर चलाना, बहुत देखे तुम जैसे। नहीं नहीं सॉरी मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखो जल्दी भागो यहाँ से,
मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, शक्ल बिगड़ सकती है। ए, इधर आ। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, देखा मैंने, इसलिए तो बुलाया। क्या चाहिए तुम्हें? ये सब पैसे के लिए कर रहे हो ना तुम? हाँ, तुम कितना दोगे? एक पैसा नहीं। ये तो मुमकिन नहीं है ना, चाहिए तो कुछ कम ज्यादा कर सकती हूँ, पर कुछ तो देना पड़ेगा ना। मेरे बापू के साथ क्या पेश लड़ा है तुमने? बहुत सताया उनको? तो वो कल वाले अंकल तुम्हारे बापू थे, पर आदमी कला का कदरदान था, 5,000 रुपए दे गया। चलो, अरे अरे चलो चलो, एक ऐसा होटल है जहाँ पे पुलिस की झंझट ही नहीं है। तो तुम रोज? रोज आ जाऊंगी, बस तुम जगह बता दो। अरे अरे कहाँ जाते हो? अरे सुनो, होटल का बिल मेरा। अरे अरे रुको, अरे खाने पीने का भी मैं दे दूंगी। ग्यारह बजे बोला था, जल्दी चला। अब ये लड़के ने बगीचे में क्यों बुलाया? और क्या, शमशान में बुलाएगी? तू चल मेरे साथ बस। देख, तूने हमेशा मेरी कीमत अठन्नी कम आंकी है, आज मैं दिखाऊंगा मेरी मार्केट वैल्यू। सुना है आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। तुझे यकीन है, है? कहीं वो बाप तो नहीं ढूंढ रही है? अरे लेकिन बाप पे फूल क्यों फेंकेगी? कहाँ वो जालिम, बगीचे में बोला था, लेकिन बगीचे में कहाँ? कोई पेड़ नंबर नहीं बताया था? नहीं ना, ये बगीचे इतने बड़े क्यों होते हैं? एक फूल एक फवारा, बात खत्म। इतने तामझाम की क्या जरूरत? ए, मिल गई भैया। इधर आओ। यस मैडम। ये वही बावला बावर्ची है क्या? हाँ मैडम, वही है। ओह, सरे बाजार, बिन बादल बरसात, वो भी औरतों के सामने, पकड़ो साले को। जी मैडम। दूसरा साला हरामी भी यहीं गई होगा। चुप कर। रुक बुड्ढे ठरकी, रुक। कभी रो भी हो? अबे खड़े खड़े। ए, चल चल आगे देख, मेरी बात तो सुनो। चल बैठ जा। एक, अरे मैंने किया क्या है? बताते तुमने क्या किया है।